24 News, जज्बा सच दिखाने का। गाजियाबाद लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर बीएफ मामले में कूद पड़े हैं। उनका कहना है कि इस पूरी घटना के पीछे अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक के साथ साथ भी कंपनी यानी कि दाऊद इब्राहिम का हाथ है और कहना है कि जैसे हाथरस मामले में भी राजनीतिक मोड़ देकर उसे अलग रंग देने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उस मामले को तोड़ दिया। वहीं करण मामले में भी केजरीवाल और उनके एक विधायक के साथ साथ डी कंपनी यानी कि दाऊद इब्राहिम का हाथ बताया जा रहा है। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने साफ तौर पर कहा कि इसकी जांच के लिए उन्होंने पहले भी लिखा है और अभी दोबारा उन्होंने एक पत्र लिखकर केंद्र सरकार को अवगत कराया है। इसमें विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि अगर जांच में डी कंपनी और अरविंद केजरीवाल का हाथ नहीं पाया गया तो वो राजनीति छोड़ देंगे। करेड़ा में जो साहिबा थाना क्षेत्र लगता है, जो वाल्मीकि समाज के लोगों के बारे में जो एक अफवाह फैलाई गई, इसके पीछे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के लोग, आईएसआई और दाऊद इब्राहिम जो माफिया डॉन है, उसके इशारे पे ये सारा खेल हुआ है। मैंने गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है कि इसकी जांच कर ली जाए। मैंने पहले भी पत्र लिखा था और पत्र लिखने के बाद मुझे इस्लामाबाद से धमकी आई थी और उन्होंने धमकी में जो कहा था, रिकॉर्डिंग भी है कंपनी की, तो इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए जातीय दंगों में धकेलने के लिए। हाथरस कांड जब हुआ था तो हाथरस कांड में भी एक साजिश थी, इसको समय रहते हुए हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है उस चीज को पकड़ लिया गया था। अब ये क्योंकि चुनाव चल रहा है, चुनाव के दृष्टिकोण से चुनाव में लाभ लेने के लिए और देश को स्थिर करने के लिए, दंगा कराने के लिए, ये डी कंपनी के इशारे पर अरविंद केजरीवाल और उनके एक विधायक जो ओखला से विधायक हैं अमरुद्दुल्लाह, उनका मैंने पहले भी लिखा था कि फंडिंग आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को दुबई से और पाकिस्तान से डी कंपनी के द्वारा की जा रही है। इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए, क्योंकि मौलाना साध के बारे में मैंने कहा था, उसकी जांच नहीं की गई। उसका परिणाम ये हुआ कि जगह जगह प्रयोगशाला बना रहे हैं और देश की सरकार को, क्योंकि भारत जिस तरह विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, मौलाना साध ने यही षड्यंत्र करने के बाद आज देश की जो हालत हुई है कोरोना की, ये सब पूरा देश जानता है। तो मेरा यही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी से ये मेरा निवेदन है, इस प्रकरण की जांच हो और इन सरकार को तुरंत बर्खास्त करके केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए और इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर मेरी बात गलत है, मैंने कहा भी है, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। साथ ही नंद किशोर गुर्जर ने आरोप लगाया कि उन्हें पहले भी कई मामलों पर भी कंपनी से धमकी मिलती रही है। टाइम 24 न्यूज के लिए गाजियाबाद से नदीम शाहीन की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।